हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूं पेपर हैकर चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर से फर्स्ट पेपर है बीए सेकंड सेमेस्टर का, उसका जो पहली पोयम है लेट मी नॉट लव टू दी ऑफ ट्रू माइंड्स। इसके राइटर है विलियम शेक्सपियर। उसके मैंने आपको स्टेंजा करवा दिए हैं पहले ही। आज मैं आपके लिए उसका सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले हम ये देखेंगे कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। राइट ए नोट ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ लेट मी नॉट टू दी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसके ऊपर हमें इसका सेंट्रल थीम लिखना है, यानी कि मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या बताया गया है, इसका जो तत्व है या इसका जो शीर्षक है वो हमें बताना है। और अथवा में ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर जो है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ Let me not to the marriage of true minds। हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि attempt a critical appreciation, अपनी एक critical appreciation, एक राय दीजिए of let me not to the marriage of true minds। इस चैप्टर पर आपकी क्या राय है, इससे हमें कभी क्या बताना चाह रहा है, तो आंसर देखिए कैसे लिखना है। हमें शुरू करते हैं आंसर लिखना। ठीक है, दिस सोनेट, सोनेट का मतलब गाथा, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपोजिशंस ऑफ शेक्सपियर। ये जो गाथा है ये बहुत ही प्रसिद्ध कंपोजिशंस गाथाओं में से एक है। किसकी? शेक्सपियर की। एंड हैज बीन प्लेस्ड एट नंबर 116, और इसका जो नंबर है वो 116 है इन हिज सोनेट सीक्वेंस। उसकी जो गाथाओं का क्रम है उस क्रम में इस पोएम का नंबर कितने नंबर पे आता है? 116 पे। शेक्सपियर हैज एड्रेस्ड हिज लव सोनेट्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स नोन एज WH। जो शेक्सपियर है वो अपनी गाथा के द्वारा बताना चाहता है, बताता है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे मित्रों में से एक जिसे जाना जाता है WH के नाम से, एंड और सम टू ए वुमेन पॉपुलरली, और एक कोई प्रसिद्ध स्त्री है उसके बारे में कॉल्ड द डार्क लेडी, जिसको वह डार्क लेडी बुलाता है। इन दिस सोनेट, इस गाथा में, इस सोनेट में ही टेल्स अबाउट, वह बताता है अबाउट बारे में द नेचर ऑफ लव, प्रेम का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है। ट्रू लव इन हिज ओपिनियन इज, उसके ओपिनियन में, उसके आधार पर ट्रू लव जो सच्चा प्रेम है वो है अनचेंजिंग, यानी कि जो कभी नहीं बदलता है एंड और परमानेंट है, स्थिर है, हमेशा के लिए रहने वाला है। एंड और वंस, एक बार, व्हेन इट बिगिंस, एक बार जब यह हो जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है, देयर इज नो पावर, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है विच कैन ईदर चेंज, जो इसे बदल सके और ब्रिंग एन एंड टू इट, और इसको अंत तक ला सके। यानी कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी के प्रेम को बदल सके या उसमें कोई भी बदलाव ला सके या इसको खत्म कर सके। इट इज द सेम आइडिया, यह एक वैसा ही विचार है दैट जो वी जनरली फाइंड इन हिज कॉमेडीज, यह एक वैसा ही विचार है जो हम उसकी हास्य गाथाओं में इसको ढूंढते हैं। द लवर्स मे फाइंड मच बेटर चांसेस, द
द लवर्स में फाइंड मच बेटर चांसेस, प्रेमी जो हैं वो और अधिक अवसर पा सकते हैं, बट लेकिन द ट्रू लवर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, जो ट्रू लवर्स होते हैं सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं बाय इट इससे, एंड दे रिमेन स्टीडफास्ट। स्टीडफास्ट मीन्स का भी मतलब कंस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। इवन जबकि इफ समवन ट्राइज टू चेंज इट, अगर कोई इसे बदलने का प्रयास करता है, टू सम अदर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाता। इन द बिगनिंग ऑफ द पोयम, पोयम की शुरुआत में ही द पोएट डिक्लेयर्स, पोएट यह साबित कर देता है, यह बता देता है, आगे हमने कुछ लाइंस बताई हैं पोएट ने जो हमें पढ़नी है। लव इज नॉट लव, प्रेम वह प्रेम नहीं है, विच एल्टर्स जो बदल जाता है, व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड्स जब इसको कोई दूसरा मिल जाता है, और बैंड्स और मिल जाता है, विद द रिमूवर टू रिमूव और फिर वापस आ जाता है जब कोई दूसरा चला जाता है, ठीक है। इनफैक्ट इस हिसाब से एज शेक्सपियर पुट्स इट, शेक्सपियर ने इसको रखा है, लव इज नॉट रिलेटेड ओनली टू फिजिकल, भाई जो लव है इज नॉट रिलेटेड ओनली टू फिजिकल एस्पेक्ट्स और मटेरियल गेन्स, प्रेम का संबंध केवल फिजिकल यानी कि शारीरिक वस्तुओं से नहीं है और ना ही किसी पदार्थ से है, किसी वस्तु से है जो हमें प्राप्त हो जाती है। इट इज समथिंग, यह वह है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, एंड और सो व्हेन द टू, और इसीलिए जब दो स्पिरिट्स तत्व आर यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स एक हो जाते हैं, जब दो तत्व एक हो जाते हैं, देयर सेपरेशन इज इम्पॉसिबल, उनका अलग होना नामुमकिन हो जाता है। दिस इज वाई, इसीलिए इवन द ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर, डिस्ट्रक्टिव पावर मीन्स विनाशकारी शक्ति ऑफ टाइम, यही एक वजह है कि कोई भी यानी कि समय की कोई भी विनाशकारी जो शक्ति है समय की, आल्सो फेल्स वो भी असफल हो जाती है, टू एक्सरसाइज एनी इन्फ्लुएंस प्रेम को प्रभावित करने में, अपॉन इट इसके ऊपर, एंड इज हेल्पलेस बिफोर इट और इसके बाद वह निरर्थक हो जाती है, असहाय हो जाती है, हेल्पलेस हो जाती है। एट द सेम टाइम, इसी समय पर द पोएट कवि जो है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हिज व्यू, अपना जो दर्शन है, अपने जो विचार है वो दर्शाता है, ऑर्डर में, सिक्वेंस में, क्रम में, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, मोर स्ट्रांगली कंपेयर्स और अधिक रूप से कंपेयर्स तुलना करता है, इट टू द लाइट हाउस इन द सी, समुद्र के अंदर जो लाइट हाउस होता है उससे, और या फिर द पोल स्टार ध्रुव तारे से, विच जो आर नेवर शेकन जो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता, इवन बाय द मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म्स किसी भी भयानक से भयानक तूफान के कारण भी वह नहीं हिलता है। कौन नहीं हिलता है? ना ही पोल स्टार ध्रुव तारा अपनी जगह पर हिलता है, वो भी वैसा ही रहता है, और जो समुद्र के अंदर लाइट हाउस होता है जिससे समुद्र को तूफानों में अंदर जाने का रास्ता मिलता है, पानी के अंदर जाने का, ना तो वो हटता है और ना ही ध्रुव तारा अपने स्थान से हटता है। रेदर दे गाइड द वेंडरिंग शिप्स, इसीलिए
वो डूबते हुए जहाज, बेंडरिंग मीन्स डूबते हुए जहाज को राह दिखाते हैं, गाइड करते हैं। इन द सेम वे, इसी प्रकार से लव आल्सो ब्राइटनेस आवर पैथ। लव जो है, प्रेम जो है, वो भी हमारा पथ प्रदर्शित करता है, ऑफ लाइफ हमारे जीवन का, एंड मेक्स इट सक्सेसफुल, और इसे सफल बना देता है। किसे? हमारे जीवन को सफल बना देता है। दिस इज वाई, ऐसा इसीलिए है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यह सोचना भी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, हाउ इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ट्रू लव इज इन आवर लाइफ। इसीलिए यह बताना या इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ट्रू लव जो है, सच्चा प्रेम जो है, वो हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इट ग्रोज स्ट्रोंगर, यह और भी अधिक शक्तिशाली होता जाता है, एंड स्ट्रोंगर, और अधिक शक्तिशाली होता जाता है, एंड और कंटिन्यूज टिल द डे ऑफ डेथ, यानी कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ ही रहता है। ही इंप्लॉयज द मेटाफर ऑफ ए रीपर फॉर टाइम एंड डिक्लेयर्स दैट लव इज बियॉन्ड द पावर ऑफ टाइम। ही इंप्लॉयज, वह इंप्लॉयज मीन्स दर्शाता है, द मेटाफर ऑफ अ रीपर ऑफ टाइम एंड डिक्लेयर्स, और यह निर्धारित करता है दैट लव इज बियॉन्ड द पावर ऑफ टाइम, जो प्रेम है वो समय की शक्ति से भी परे है, यानी कि समय भी इस पर काबू नहीं पा सकता है। लास्ट में लाइंस भी दी हुई हैं उन्होंने, लव्स नॉट टाइम्स फूल द रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन, लव्स नॉट टाइम्स फूल, यानी कि जो समय है वो प्रेम को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है, उसको उससे आगे नहीं निकल सकता है। द रोजी लिप्स एंड चीक्स, जो रोजी गुलाबी होंठ होते हैं, गाल होते हैं, उनसे भी गुजर जाता है, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, लेकिन जो स्पिरिचुअल लव होता है, यहाँ पे इस लाइनों में बताना चाह रहा है कि प्रेम जो है, रोजी लिप्स एंड चीक्स, यानी कि गुलाबी होंठ और गालों से नहीं होता है, वह स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, क्योंकि एक समय के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रेम हमेशा समय के अंत तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड दस, और तब बियर्स इट आउट टू द एज ऑफ डूम, और इसे अपने खोज के पिटारे से बाहर निकालता है, द पोएट इज सो फर्म, एंड फर्म मीन्स होता है अटल, कि जो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा अटल है, एंड सर्टेन इन हिज ओपिनियन, और अपने विचारों को लेकर बहुत ही ज्यादा निश्चित है और अटल है, एंड ही चैलेंजेस एवरीबडी, और वह हर किसी को चुनौती देता है कि ही से, वह कहता है कि इफ दिस आइडिया, यानी कि उसका जो यह विचार है प्रेम को लेकर, इज प्रूव्ड रॉन्ग, अगर कोई भी गलत साबित कर देता है, ही विल नो मोर राइट पोएम्स, वह पोएम लिखना बंद कर देगा, वह कविताएं नहीं लिखेगा। द सोनेट इज रिमार्केबल, यह जो सोनेट है, जो गाथा है, जो पोएट ने बताई है, इज रिमार्केबल, उल्लेखनीय है, इन द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू लव, यानी कि सच्चे प्रेम की महत्ता को बताने के लिए, एज द
ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ मैन इन लाइफ, जो पोएट है वो प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है सच्चे प्रेम को, ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ मैन इन लाइफ, सच्चे प्रेम को एक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट के साथ, कि वो हमारा बहुत ही सच्चा साथी होता है इन लाइफ, एक मनुष्य की जीवन में। इट शोज, यह दिखाता है द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ऑफ द पोएट दैट वॉट ही सेज इज डेफिनेटली करेक्ट। यह दिखाता है पोएट का विश्वास दैट वॉट ही सेज, कि वह जो भी कहता है इज डेफिनेटली करेक्ट, वह पूर्णता ही सही है। इफ दिस वी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, यह अगर गलत है, असत्य है और कोई मुझे गलत साबित कर देता है, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड, मैं कभी भी नहीं लिखूंगा और ना ही कोई कभी भी व्यक्ति प्रेम करेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यह बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक है, शेक्सपियर का सोनेट या जो गाथा है, प्रसिद्ध उसके गाथाओं में से एक है, बिकॉज, क्योंकि इट डील्स विद द बेसिक फैक्ट, यह डील्स करता है, बताता है विद द बेसिक फैक्ट, आधारभूत संरचना बताता है, आधारभूत तथ्य बताता है, एंड ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य के जो जीवन है उसकी सच्चाई बताता है। द यूज ऑफ ब्यूटिफुल सिमलीज एंड द पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड सिमलीज दो फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनका इनमें बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से इनका यूज किया गया है। ऑफ टाइम हैड मेड इट इमोर्टल, कि जिससे कि समय ने इसको अमर बना दिया है, इमोर्टल मीन्स अमर बना दिया है, एंड मोस्ट लवेबल, और सबसे ज्यादा प्रेम करने योग्य बना दिया है। ही हैज अडॉप्टेड हिज ऑन सोनेट फॉर्म, ही यहाँ पर पोएट के लिए है, ही हैज अडॉप्टेड, उसने ग्रहण कर लिया है हिज ऑन सोनेट फॉर्म, अपनी गाथा की जितनी पंक्तियां हैं, जो भी फॉर्म है उसकी, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द क्लासिकल पैटर्न, जो कि साधारण पैटर्न से बहुत ही ज्यादा अलग है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोयम, पोयम का जो वातावरण है, वातावरण यहां पे हमारा वायुमंडल का वातावरण नहीं है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं इस पोयम में, जो हमें महसूस हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर इज प्लीजिंग एंड चार्मिंग, आनंदनीय है और लुभाने वाला है। बट लेकिन एट द सेम टाइम, इसी समय पर, देयर इज सेंसुअसनेस ऑफ आइडियाज एंड कामुकता, सेंसुअस मीन्स होता है कामुकता, लेकिन इसी समय जो शब्दों की, उसके विचारों की कामुकता है और डेप्थ, गहराई है ऑफ थॉट उसके विचारों की, इट रिवील्स, यह बताती है कि शेक्सपियर्स कमांड ऑफ लैंग्वेज, शेक्सपियर की जो पकड़ है इस भाषा पर, एंड द प्रेजेंटेशन, और जो उसने प्रेजेंट किया है, दर्शाता है, ऑफ द प्रोफाउंड ट्रूथ ऑफ लाइफ इन सिंपल लैंग्वेज इज रिमार्केबल, मतलब उसने जो दर्शाया है हमारे जीवन का जो सत्य है, मनुष्य के जीवन का जो सच है, सत्य है, बहुत ही सरल शब्दों में, जो कि बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है। तो मैंने आज आपको सेंट्रल आइडिया इस पोयम का बता दिया है, अगली क्लास में भी मैं आपके लिए नेक्स्ट पोयम का सेंट्रल आइडिया या उससे संबंधित जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं लेके आऊँगा। अभी मैं कुछ पिछले जो अगले 2-3 क्लास हैं उसमें आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप कृपया हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने साथियों तक जितना जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं उनको शेयर कीजिए, उनसे लाइक करने के लिए कहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।